नहीं नहीं भैया छोड़ दीजिए, झगड़ा मत कीजिए, अभी कंप्लेंट सीट पे कौन सा सीट दूं? ओए लड़का रुकती है वैसे। और जिसमें आपको ये मीठी चटनी भी मिलेगी ये देखिए। अरे आप आइए ना, वो हटे गया ना, हाथ में लेके खड़ा है सीट। लिखा हुआ है आप 130 में क्यों बेच रहे हैं सर? क्योंकि हमारे ऊपर बोला गया है कि जी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 03256 ANVT पटना स्पेशल ट्रेन में, जो कि वीक में सिर्फ दो दिन चलती है, फ्राइडे को और मंडे को, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से पटना रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, रात 11:30 पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 5:20 पे पटना रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और ये ट्रेन टोटल 986 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 6 हॉल्ट के साथ, लगभग 17 घंटा 50 मिनट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आनंद विहार सरकार पटना को जाने वाली गाड़ी संख्या 0356 आनंद विहार पटना स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा रही है। क्या कर रहा है मेरे सीट पे? हट रहा है। कौन सा सीट दूं? ओए लड़का कहाँ घर हुआ? तो आज के जर्नी में ये रहा अपना सीट 55 साइड लोअर, लगेज हमने नीचे डाला है, ये रहा अपना बैग और ये मेरे को पैसेंजर का। तो अपनी ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:15 और सभी पैसेंजर सो चुके हैं, तो चलिए हम भी सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, तो 428 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CMP और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 6:20 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1:05 डिले। वैसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन अपने कंट्री का 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रिक्वेंसी। यहाँ प्लेटफॉर्म 10 है और फिलहाल यहाँ रोजाना 400 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। वैसे मैं ये बोल रहा था, कमेंट में जाके आप लोग बताइएगा कितनी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आकर रुकती है। वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी आई है लखनऊ तेजस, जो कि इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है। सो गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:20। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है तो ब्रेकफास्ट कुछ नहीं मिलेगा, ना ही ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना ही लंच मिलेगा, ना ही डिनर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको या तो आप स्टेशन पे ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब सुबह का टाइम हो गया, भूख तो लगा हुआ भाई, ब्रेकफास्ट तो करना है। तो प्रयागराज में सार्थक को फ़ोन किए हैं तो वो ब्रेकफास्ट लेके आएगा, कुछ इलाहाबाद का स्पेशल है वो नाश्ता, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे ट्रेन जो है अभी फिलहाल 1 घंटा डिले चल रही है अपने टाइम से। बहस कर रहे हैं, देख रहे हैं, हट रहे हैं लोग, ट्रेन में सफर किया है लोग अभी। अरे भाई दिन में सोने का बैठेंगे हम लोग कहाँ? अरे अपना सीट, पागल हो तुम यार, पागल हो तुम? सीट खरीदा तो ना, पूरा सीट तो ना खरीदा तुमने, आधा आधा सीट पे बैठो, बैठना तो साथ ही लोग नौटंकी कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:22 और देखिए इनका लोअर बर्थ था, अब इनके जो को पैसेंजर है मिडिल बर्थ वाले, ऊपर बर्थ वाले, वो नीचे बैठना चाहते हैं लेकिन ये हट नहीं रहे हैं, जबकि नियम है कि 6 सुबह आपको सीट छोड़ दे रहा है। ये देखिए, ये भी लेटे हुए हैं और इधर भी लेटे हुए हैं, इनके पार्टनर दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में और आपस में बहस कर रहे हैं। बताइए, उठ जाओ भाई,
हाँ तो आप सोना है तो ऊपर जाके सो जाइए, कोई दिक्कत ऊपर बर्थ में सो जाइए। पैसेंजर नीचे आ गया तो ऊपर कौन जाएगा? तो हम रात में भी बोले थे कि आप ऊपर जाके सो जाओ, बोले थे कि नहीं बोले थे? ऊपर बोले थे ना, सफर क्या कह रहे हैं? अरे चाचा, ओ चाचा ऊपर जाके सो जाइए, सोना है तो इनको बैठने दीजिए। गिराइए नीचे की तरफ, नीचे हाथ में खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, गिराइए नीचे की तरफ। आप हटिए ना, देखिए ना निकलेगा, आ जाइए। अरे आप आइए ना, वो हटेंगे ना, हाथ में लेके खड़ा है सीट। कैसे बैठेंगे आप बताओ? आप बैठिएगा ऐसे, सर यहाँ पे करके बैठे हो आप? दिन दोनों एक साइड का, आप लोग उसको गिरा पे सकते हैं क्या दिक्कत है? अरे ऊपर सो जाइए ना, आपको सोना है ना, ऊपर सो जाइए ना, सीट मिल रहा है, ऊपर सो जाइए आप। सोना है दोनों को, ऊपर सो जाइए, मना थोड़ी कर रहे, सामान थोड़े गायब हो जाए। 11 बजने वाला है, बताइए क्या खाएगा, नहीं बैठेगा नहीं, उठ जाइए उठ जाइए, सीट तो अब मिल रहा है ना आपको, ऊपर जाके सोइए ना, आप सोना है तो हटी हटी जल्दी हटी। अरे आदमी यहाँ खड़ा है, उसके बाद भी लोग को दिख रहा है कि आदमी खड़ा है, बैठ नहीं रहा है, रात में खाना भी नहीं खाने दिया। यार क्या बात कर रहे हो भैया, हम लोग 1 घंटे से जगे हुए हैं, अरे बहस मत कीजिए, ऊपर आइए, बहस मत कीजिए, आ जाइए, गिराओ नीचे, बहस मत कीजिए। छोड़ दीजिए, नहीं हटेगा तो अभी कंप्लेन करते हैं ना, टेंशन का ऑनलाइन देख लो ना, इंस्ट्रक्शन देखना है तो कंप्लेन कर देते हैं ना, तो कंप्लेन कर देते हैं ना, रुको ना, नहीं हटना है ना, नहीं भैया छोड़ दीजिए, झगड़ा मत कीजिए, अभी कंप्लेन करते हैं, इनको भी दिखा पढ़ा देते हैं, देख लीजिए भैया कहाँ गए आप, सबसे खोज रहे, नहीं मिल रहा है ना, देखिए ऊपर में ही मिल गया, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 6 बजे सुबह, 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक, बस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लोअर बर्थ ही लोग मिल गया लग रहा है, मतलब खरीद लिया है। तो 622 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन का प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 9:30 और हम लोग इटनिया पहुंचे लगभग 1 घंटा 5 मिनट डिले, और यहाँ पे आया अपना भाई सार्थक ब्रेकफास्ट लेके। वैसे हमने आपको बताया था कि ट्रेन में पेंट्री नहीं है, तो ब्रेकफास्ट जो है प्रयागराज से ही मंगवाएं, यहाँ का फेमस नाश्ता, और आगे का प्लान है, आगे का प्लान बनेगा अगस्त में, देखिए अगर प्लान बना साथ में ट्रैवल करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। वैसे नाश्ता पूरा गर्मा गर्म, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:11 और आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जो है हमने मंगाया प्रयागराज से सार्थक के थ्रू, और ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ते में क्या क्या है। तो इस नाश्ते की थाली में मिला है ये आलू और ये पम्पकिन की सब्जी है, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, साथ ही ये आलू पटल की सब्जी, साथ में टमाटर, ओहो, और ये जो है ना आलू की सब्जी, ये हल्का खट्टा खट्टा लगता है, ये भी काफ़ी बढ़िया होता है। हम वैसे हम ट्राई कर चुके हैं नेत्राम का ये नाश्ता, ये 100 की थाली आपको पड़ेगी, ये नाश्ते की थाली, और जिसमें आपको ये मीठी चटनी भी मिलेगी, ये देखिए ये मस्त लग रहा है, और ये रहा रायता, और साथ में ये गर्मा गर्म पूरी। Thank you.
775 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DDU और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 1:15 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 1:25 डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन ये जो है ये चलती है 8 स्लीपर क्लास, 5 इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच लगा हुआ है, 4 थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है और 1 सिर्फ सेकंड एसी का कोच लगा हुआ है। मतलब 5 थर्ड एसी इकोनॉमी और सिर्फ 4 थर्ड एसी कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से आप पटना के बीच में इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 700 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1715 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी इकोनॉमी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग 1600 रुपया, मतलब 110-115 रुपया कम पड़ेगा थर्ड एसी से थर्ड एसी इकोनॉमी का फेयर। वैसे इस ट्रेन में पैंट्री कोच नहीं है, तो खाना पीना आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, नहीं तो आप स्टेशन पर लीजिए। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ब्रेकफास्ट कर लिए थे कि हेवी हो गया था, अभी खाने कुछ तो मन नहीं कर रहा, देख में फूड्स वगैरह होगा तो लेते हैं यहाँ से। वैसे धूप बहुत है भाई। और हम लोग की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके रुकी है और यहाँ पे देखिए फल की दुकान, यहाँ पे आपको ये सेब मिल जाएगा, आम मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा। रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, जामुन 160 रुपये, अमरूद 100 रुपये, आम लंगड़ा आम 80 रुपये रेट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए सामने आम हो गया और ये काला जामुन। यहाँ से हम ये ले रहे हैं चना, 20 रुपये प्लेट है, 2 प्लेट लगवा रहे हैं। वैसे आपको ये बादाम भी मिल जाएगा। तीता तो नहीं है ना? नहीं, सही है, सही है। इसमें तो ये लिए खीरा, इसके ऊपर ये लाल मिर्च नमक वगैरह डाला हुआ है और ये अपना रोस्टेड चना, चना मूंगफली मिक्स है, चना मूंगफली। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं पेंट्री कोच में। वैसे हमने आपको बताया था इस ट्रेन का रेक शेयर जो है ना वो किया जाता है पटना CSM की सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन के साथ, तो उसमें पेंट्री है, तो वही पेंट्री अभी भी अटैच है लेकिन बंद है, पेंट्री अभी चालू नहीं है। तो चलिए मैं आपको छोटा सा टूर करवाता हूँ पेंट्री का। पेंट्री की शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे मेन्यू कार्ड है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ हर चीज़ का, डिप टी का 10 रुपया, स्टैंडर्ड टी का 5 रुपया, वेज थाली, स्टैंडर्ड वेज मील, अंडा थाली, चिकन थाली, सारा प्राइस आपको ये पेंट्री में देखने को मिल जाएगा। साथ ही बगल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो बिल नो पे, मतलब जब तक बिल नहीं दिया जाएगा तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। मतलब मंदिर है छोटा सा पूजा पाठ करने के लिए। साथ ही यहाँ पे ये हॉट केस वगैरह है, ये रहा हॉट केस, और एक छोटा सा यहाँ पे बेसिन है, और यहाँ पे भी सामान वगैरह रखने के लिए जगह दिया गया है, इधर देखिए। और ये रहा फ्रिज, ये फ्रिज है, और ये फ्रीजर है, ये देखिए ये फ्रीजर है, ये आप देख रहे हैं ना पूरा, ये फ्रीजर है। और ये रहा चूल्हा, यहीं पे खाना बनता है। और हिमांशु भाई कुछ चाहिए हो तो बिरयानी वगैरह बना देते हैं, बताओ। बना दे। चलो कौन सी वाली है, एग वाली कि चिकन? वेज बिरयानी। अरे मैनेजर साहब बिरयानी क्या चाहिए? हाँ बोलिए क्या चाहिए? वेज बिरयानी। कितने का? पहले रेट तो बताइए आप भाई। हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट, 40 रुपए की दे लो वेज बिरयानी आपको। ये 40 की है? 40 की है, ये लीजिए। ये कितने की है वेज थाली? 130 की वेज थाली? गलत बात, करप्शन कर लिया इसको, मैं भी सब्सक्राइब कर रहा हूं, बिल्कुल करप्ट हो गया। 130 की वेज थाली नहीं होती है। यहाँ पे देखिए 80 लिखा हुआ है, आप 130 में क्यों बेच रहे हैं सर? क्योंकि हमारे ऊपर बोला गया है कि 130 का। किसने बोला?
मैनेजर ने मैनेजर को बुलाइए। ओए मैनेजर, व्हाई आर यू सेलिंग 130 थाली वेस्ट थाली? भाई मेरे को नहीं पता भाई, इन्होंने बोला है 130 की वेस्ट सर। क्या यू आर सस्पेंडेड सर, क्या सस्पेंडेड? सस्पेंड करो, गेट आउट ऑफ द पेंट्री। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बक्सर रेलवे स्टेशन, जो कि आता है अपने बिहार में। और अपनी ट्रेन का यहां पे हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे बक्सर रेलवे स्टेशन पे आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 2:45 और हम लोग इटनिया पहुँचे लगभग 1:50 डिले। वैसे जब से हम लोग ट्रेन में बोर्ड किए हैं ना आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से, तब से लेकर मुगल सराय तक, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक, एक बार भी टिकट चेक नहीं किया गया। मुगल सराय के बाद टिकट, टीटी सर आए थे टिकट चेक करने के लिए, उससे पहले एक बार भी पूछा नहीं गया कि भाई आपका टिकट है कि नहीं है, सीट नंबर क्या है। वैसे मुगल सराय के बाद, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बाद, बहुत सारे पैसेंजर विदाउट टिकट इसी कोच में बोर्ड किए, उनसे भी कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और ये सिलसिला ना ऐसा नहीं है, इस रूट में कोई भी ट्रेन हो ना, यही रहता है, अपने आप को स्टाफ बताकर बक्सर से, आरा से बोर्ड करते हैं, पीछे मुगल सराय से बोर्ड करते हैं और पटना तक जाते हैं। टीटी भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को लोकल बताते हैं, स्टाफ बताते हैं, जो कि सही नहीं है। बताइए, इनका रिजर्व है सीट, उनके सीट पर आप बैठिएगा, बोलेगा हम स्टाफ हैं, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, और कुछ सामान चोरी होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा जी? वैसे भी आजकल भाई चोरी जो है ना बहुत हो रहा है ट्रेन में, तो सतर्क है, खास तौर पे इस ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन है, नहीं पेंट्री है, नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में तो ये जीरो है। पूरी रात में जर्नी के दौरान एक बार भी आरपीएफ सर को हमने देखा ही नहीं। ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ये लेमन टी, ये लो। अब पेंट्री वेंट्री ना है तो बढ़िया से नींबू काटिएगा। तो चाय पीते पीते आ गया आरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे भी अपने ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से डिबोर्ड कर रहे हैं विदाउट टिकट वाले, जो कि मुगल सराय से चढ़े थे और बक्सर से। वैसे चाय जो है ये बढ़िया है, लेमन टी का बात ही अलग होता है, क्या है मानसू? तो आरा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए, और यहाँ से फिर से विदाउट टिकट वाले बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं, और ये आज का नहीं, रोज का। Thank you.
टाइम हो रहा है शाम के 7:12 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पटना जंक्शन। लगभग 1 घंटा 50 मिनट डिले। ये रहा अपना लगेज, तो लगेज को लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। और ब्रो आर यू फाइन? देखिए ट्रेन लगते ही सब चेकिंग हो रहा है अभी। अरे ठीक से रखो, वहाँ मत फेंको। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है 1 घंटा 50 मिनट डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का भाई पंक्चुअलिटी सबसे पहले अब देख लिए, 1 घंटा 50 मिनट डिले पहुंचा रही है। दूसरी बात खाने पीने की, तो इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है, खाना नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए नहीं तो स्टेशन पे आप खाना ले सकते हैं। और रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई इस ट्रेन का उतना बढ़िया नहीं है। पूरी जर्नी के दौरान लगभग 20 घंटे का सफर रहा, तो 20 घंटे के सफर के दौरान एक बार भी कोच की साफ सफाई नहीं हुई। साथ ही वॉशरूम का भी जो है ना साफ सफाई वो भी नहीं किया गया, वॉशरूम का भी कंडीशन बढ़िया नहीं है। तो चलिए आज की जर्नी को यही रखते, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिंडर पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।